कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टिकटॉक पे मैंने जो कैंपेन चलाया उसका क्या स्टेटस रहा और अभी वो कैंपेन रन कर रहा है, लाइव स्टेटस क्या है, कितना मुझे सीपीसी मिला, मुझे कितना पैसा मेरा खर्च हुआ, तो कितना इम्प्रेशन मिला मुझे, ईच एंड एवरी थिंग आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। लाइव कैंपेन रनिंग स्टेटस दिखाऊंगा आपको कि कितने पैसे में क्या मिल रहा है टिकटॉक ऐड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और जाने से पहले एक बार मैं आपको बोलूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये टिकटॉक का मेरा अकाउंट है, आपको अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना होगा अगर आप भी ऐड बनाना चाहते हैं। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी टिकटॉक पे, ऐड कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे, कंप्लीट जानकारी मैंने दी है बहुत ही डिटेल में। तो ये मेरा टिकटॉक का जो अकाउंट, एक्चुअली ये मेरे क्लाइंट का टिकटॉक का अकाउंट है, ये जहाँ पे मैं कैंपेन मैनेज कर रहा हूँ उनका। एक ई कॉमर्स की कंपनी है उनकी जो मेंस वियर में डील करते हैं, और तो ये मेरा अकाउंट है। अब जैसे लॉगिन करेंगे आप तो यहाँ पे डैशबोर्ड इस तरह से ओपन होगा, आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरा 2000 समथिंग स्पेंड हुआ है, ठीक है, 2000 समथिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, टू डेज स्पेंड यहाँ पे दिखा रहा है। और अब हम अगर बात करें सीपीसी यानी कॉस्ट पर क्लिक की, कि मतलब वन कॉस्ट की क्या क्लिक्स पड़ी है, तो 0.3 पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। ये सीपीए कॉस्ट पर एक्यूशन होता है, लाइक साइन अप या कुछ और, वो चीज़ें हमारी है नहीं, हमने सिंपल वेबसाइट ट्रैफिक के लिए कैंपेन बनाया था। और अगर इम्प्रेशंस की बात करें तो ये आप देख रहे हैं 2,34,029 इम्प्रेशंस मिले हैं 2,000 रुपये में, अगर हम बात करें 1,997 रुपये में 2,34,029 इम्प्रेशंस। तो इम्प्रेशंस का मतलब होता है कि कितनी बार ये ऐड जो है हमारा दिखा है लोगों को टिकटॉक पे, इसका मतलब वो होता है। और सीटीआर का मतलब होता है कि कितने परसेंट लोगों ने ऐड को देखा और उस पर क्लिक किया। तो 2.31 सीटीआर है, अच्छा है, ठीक ठाक है कह सकते हैं इसको। और क्लिक्स की हम बात करें तो 5,414 क्लिक्स आए हैं हमारे ऐड पे, आप देख रहे हैं। तो क्लिक्स का सिंपल सा यहाँ पे मतलब यही है कि द नंबर ऑफ क्लिक्स ऑन योर एड्स, मतलब हमारे एड्स पे जो नंबर क्लिक्स हुए हैं वो 5,414 हैं, ठीक है। कन्वर्जन का यहाँ पे 0 दिखा रहा है, एक्चुअली मैंने कन्वर्जन का भी सेटअप नहीं किया है, कस्टम यूआरएल नहीं लगाया यहाँ पे। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सीपीएम है, जो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस होता है, यानी कितने रुपए में 1000 इम्प्रेशंस आपको मिले, ये आप इम्प्रेशंस की बात कर रहा हूँ। तो यानी 8,53 रुपये हमारे 1000 इम्प्रेशंस के पड़े हैं। तो अगर एज पर कंपेयर फेसबुक आर अदर एनी एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, तो दिस इज़ वेरी चीप एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, ठीक है। ये ऐड हुआ था जो रन है, रन जो किए थे हम इसको, ये 20 to 21 हम कर देते हैं यहाँ पे, ये भी 2 दिन हुआ इसको चले हुए, ठीक है, ये हुआ। अब इसको अगर हम नीचे करते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है, तो टोटल ये इसका है 1,997 रुपये। मेरे टारगेट ऑडियंस मेल थे, क्योंकि मेल का ये मेल्स बियर है, तो मेन्स बियर है, तो मैंने मेल को टारगेट किया था। अब यहाँ पे प्लेसमेंट का जो है आप देख सकते हैं, वीगो पे 19% समथिंग आया, 20% समथिंग, और टिकटॉक पे जो सबसे ज़्यादा आया, जो हमारा सबसे मेजर टारगेट एरिया है, टारगेट प्लेसमेंट था, 51% आया है, और हेलो पे आया है 29%। तो ये प्लेसमेंट का रेशियो होता है, आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर प्लेसमेंट में, जैसे आप टिकटॉक को ही प्लेस कर सकते हैं, या वीगो, या मतलब जो भी चाहें आप उस प्लेटफॉर्म को, लेकिन मेरा सजेशन है जितना ब्रॉड होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये बजट जो है, अगर ब्रांडिंग के पर्पज़ से आपको करना है तो काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंपेन है, जहाँ से हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, जो हमारा कैंपेन रन हो रहा है उसका स्टेटस हम देखते हैं, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये कैंपेन हमारा इनेबल है, ट्रैफिक है, बजट मैंने नो लिमिट डाल रखा था, नो लिमिट है हमारा बजट, 0.37 पैसे हैं, यानी 37 पैसे सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक हमारा 37 पैसा पड़ा है, 8,53 रुपये हमारा जो पड़ा है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस का पड़ा है, ये इम्प्रेशंस है।
एक बार ऐड ग्रुप में चलते हैं। ऐड ग्रुप में आप देख सकते हैं एक्टिव ग्रुप है, 2000 डेली का बजट है मेरा, 2000 मैंने लगा रखा है, और जो बीट मैंने की है 1 रुपये की है। तो आप अपने हिसाब से जितना ज़्यादा बीट करोगे उतना तेज़ी से आपका बजट ख़त्म होगा और उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। 1997 रुपये ये है, मुझे देख सकते हो। ऐड पे भी चल लेते हैं, या देख लेते हैं ऐड कैसा है हमारा। ये ऐड है जो ऐड चल रहा है, ये ऐड भी एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये ऐड बाय डिफ़ॉल्ट इसमें टेम्पलेट होता है टिकटॉक का, जहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा कि वीडियो ऐड कैसे बनाएंगे टिकटॉक में। ये आप देख रहे हैं, ये ऐड है जो चलता है टिकटॉक में, चलेगा। ये हो गया, यहाँ पे इवेंट है, ऑडियंस क्रिएटिव, क्रिएटिव वही जो ऐड हम बनाते हैं उसको, वो क्रिएटिव में होता है, फिर लाइब्रेरी में चला जाता है एक बार क्रिएट होने के बाद। देखिए यहाँ पे 16 सेकेंड का है ये, बाकी इधर ये रिपोर्टिंग आ गया। तो अगर आप ब्रांडिंग पर्पस से, अगर आपको यहाँ पे ऐड बनाना है, ब्रांडिंग करनी है, वेबसाइट पे क्लिक्स लाने हैं, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सस्ता है कह सकते हैं। बट ये है एक चीज़ मुझे मतलब थोड़ा सा इसमें नेगेटिव लगता है, मिनिमम 2000 आपको करने होते हैं। जैसे गूगल एडवर्ड्स में अगर आप मिनिमम 500 में कर सकते हैं, फेसबुक में मिनिमम 200 में कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम आपको 2000 रुपये तो लगाने ही लगाने होते हैं। बट क्लिक्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 5414 क्लिक्स 2000 रुपये में, प्लस 2,34,123 इम्प्रेशंस। ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, कि मतलब रिज़ल्ट इसका काफ़ी बेहतर है और काफ़ी अफोर्डेबल है। बट डेली बजट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी रिज़ल्ट तो इसका काफ़ी चीप एंड बेस्ट है। ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि मेरा ग्राफ कैसे यहाँ पे उठा है, ये ग्राफ देख सकते हैं कैसे उठा है, यहाँ से सीधे जेकर में गया है। तो कई लोगों का मैसेज भी मुझे आया था कि एक बार ऐड बनाओ और उसका स्टेटस बताओ मुझे, कि रिव्यू करो एक बार कि जो कैंपेन बना रहे हो उसका क्या स्टेटस आ रहा है, क्या रिपोर्ट आ रही है उसकी। तो गाइस आपने देख ही लिया, 1997 रुपये कॉस्ट लगे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 0.3 पैसे CPC आया, कॉस्ट पर क्लिक आया है, 2,34,000 इम्प्रेशंस मिले हैं, 2.31% क्लिक थ्रू रेट आया है, 5,415 क्लिक्स आए हैं, और 8,53 रुपये कॉस्ट पर 1,000 इम्प्रेशंस आए हैं। मतलब 1,000 इम्प्रेशंस का 8,53 रुपये पड़ा है। तो गाइस होप ये रिव्यू अच्छा लगा होगा आपको, ये कैंपेन देख के कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी, समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप एक बार मुझे कमेंट में बताएं, मैं ट्राई करूँगा उसको रिजॉल्व करने का। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं डायरेक्ट, मैं हर एक मैसेज का जवाब देता हूँ और पर्सनली सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता हूँ। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।